अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, उसका पार्ट 5 है, यानी कि पांचवा वीडियो है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री का सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। सबसे पहले आप समझ लो कि नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है। नेशनलिस्टिक का मतलब होता है नेशन, अपना खुद का नेशन, है ना। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री लिखना। जब हम अपने नेशन के बारे में हिस्ट्री लिखते हैं तो उसे कहते हैं नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। यानी कि जब हम अपने इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। चलो एक्सप्लेनेशन इसका समझते हैं। द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वेयर ट्रेंड इन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। जो भी हिस्ट्री लिखी गई इंडिया की, जो भी इंडियन लोगों ने हिस्ट्री लिखा, वो लोगों ने पढ़ाई कब किया था, उनका एजुकेशन कब हुआ था, ब्रिटिश टाइम में हुआ था। यानी कि जब इंडिया में अंग्रेज लोग थे उस टाइम अंग्रेजों के साथ जो इंडियन लोग थे वो लोगों ने स्टडी किया था, पढ़ाई किया था, एजुकेशन कंप्लीट किया था। फिर से समझो, द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियन, इंडियन इंडिया हिस्ट्री कब लिखी गई थी, वे आर ट्रेंड इन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जब था उसी टाइम इंडिया की हिस्ट्री लिखी गई थी। समझ में आ गया। एन इंक्लाइनेशन टू रिस्टोर, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया का हिस्ट्री अच्छे तरीके से नहीं लिखा, मजाक बनाया, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो थी ऑथेंटिक रिसर्च किए बिना लिख दिया, मतलब फैक्ट जाने बिना भी हिस्ट्री में इंक्लूड कर दिया, जिससे कि क्या हो गया, इंडिया का हिस्ट्री जो था इंक्लाइन हो गया, मतलब डिक्लाइन होना। इंक्लाइन मतलब कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से वो लोग रिप्रेजेंट नहीं किया। समझ में आ गया। टू रिस्टोर, फिर इंडियन लोगों ने सोचा कि जो अंग्रेजों ने गलत तरीके से लिखा उसे हमें रिस्टोर करना चाहिए, यानी कि करेक्ट करना चाहिए, सही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, द प्राइड इन द एशियंट ग्लोरी ऑफ इंडिया। इंडिया का जो प्राइड है, गर्व है, सम्मान है, गौरव जिसे बोलते हैं, प्राइड का मतलब, एन एंशिएंट ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब इंडिया का जो एंशिएंट इंडिया है उसका ग्लोरी जो रहा है, वैभव जो रहा है, उसके बारे में हमें अच्छे से लिखना चाहिए फिर से। एंड द सेल्फ इस्टीम ऑफ द इंडियन रीडर्स, ताकि इंडियन लोग जब हिस्ट्री पढ़ें तो उनको सेल्फ इस्टीम होना चाहिए, यानी कि अपने हिस्ट्री के लिए उनको सम्मान होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए। इंडिया, इंडियन लोग जब इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब जानेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही है, तो लोगों को क्या होगा, गर्व होगा, है ना, उसका रेस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियन ने सोचा कि हमें अपनी हिस्ट्री लिखनी चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। समझ में आ गया। दे आर राइटिंग आर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। नेशनलिस्टिक राइटिंग इन दी महाराष्ट्र वेयर इंस्पायर बाय दी विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। यहाँ पे जो विष्णु शास्त्री जी हैं उन्होंने क्या किया, मराठी का इतिहास लिखना स्टार्ट किया, मराठों के बारे में हिस्ट्री लिखना शुरू किया। फिर से देखो यहाँ पे, नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन दी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में किसने स्टार्ट किया, नेशनलिस्टिक हिस्ट्री, यानी अपने कंट्री के बारे में हिस्ट्री लिखना चाहिए, तो शुरुआत किसने किया, यहाँ पे इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने। तो जो विष्णु शास्त्री चिपलूनकर साहब थे उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के बारे में हिस्ट्री लिखना शुरू कर दिया। समझ में आ गया, अपनी हिस्ट्री खुद का लिखना शुरू कर दिया, यानी अपने कंट्री की, अपने स्टेट की हिस्ट्री उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। ही क्रिटिसाइज द प्री जस्टिस हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स ने हिस्ट्री लिखा था इंडिया का, उन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करने का मतलब है आलोचना करना, विरोध करना, उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारी चीज़ें सही नहीं लिखी थी, ऑथेंटिक नहीं लिखी थी। तो विष्णु शास्त्री चिपलूनकर साहब ने क्या किया, उसका क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया, भाई जो लोगों ने वो गलत लिखा था उसको फिर से रिस्टोर किया, जो फैक्ट था उसको उन्होंने क्या किया, अपने बुक में लिखा। समझ में आ गया। The nationalistic historian tried to seek the golden era of Indian history. जब इंडिया की हिस्ट्री लिखी जाने लगी तो उस टाइम को क्या कहा गया, गोल्डन एरा कहा गया, यानी कि सुनहरा पल कहा गया, सुनहरा युग कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय हम अपने कंट्री की हिस्ट्री लिख रहे हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं। समझ में आ गया। They are at
टाइम्स ब्लेम फॉर इग्नोरिंग क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरियन ट्रूथ। जब इंडिया के लोग इंडिया की हिस्ट्री लिखने लगे तो लोगों ने क्या किया, ब्लेम करना शुरू किया, इग्नोर किया कि मतलब बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया गया था। अंग्रेजों ने जब हिस्ट्री लिखा था बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। कौन कौन सा चीज़ इग्नोर किया था, क्रिटिकल एनालिसिस यानी कि सही से जांच पड़ताल ना करके वो लोगों ने, अंग्रेजों ने इंडिया का हिस्ट्री लिखा था, यानी बहुत सारी चीज़ों को अंग्रेजों ने क्या किया था, इग्नोर किया था। समझ में आ गया, हिस्टोरियन ट्रूथ जो हिस्टोरियन की जो सच्चाई रही है, बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं, अंग्रेजों ने अपने बारे में अच्छी अच्छी लिखी, इंडियन के बारे में खराब खराब लिखा, उतना भी नहीं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही बारे में तारीफ लिखा था। समझ में आ गया। महादेव गोविंद रानडे, कृष्णा गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, ऐसे बहुत सारे नाम आपको आगे मिल जाएंगे। ये लोगों ने क्या किया, द नेम्स सम रिनोड स्कॉलर एमंग दी नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन, बहुत सारे अगर आप देखोगे तो नाम दिया रहेगा आपके बुक में। ये लोगों ने क्या किया, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन थे जो अपने नेशन के बारे में लोगों ने हिस्ट्री लिखा। कौन कौन थे, नाम फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे देखो, महादेव गोविंद रानडे थे, रामकृष्ण गोपाल थे, यहाँ पे भंडारकर थे, विनायक दामोदर सावरकर साहब थे, राजेंद्र लाल मिश्रा थे, ऐसे बहुत सारे और नाम दिए हैं। ये लोग क्या थे, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन थे, यानी कि ये लोग अपने कंट्री के बारे में हिस्ट्री लिखा। आगे समझते हैं, राजवाड़े इज वेल नोन फॉर द राइटिंग इन मराठी ऑन वराइड सब्जेक्ट। यहाँ पे जो राजवाड़े साहब हैं उन्होंने क्या किया, मराठी हिस्ट्री लिखा, राइटिंग इन दी मराठी, यानी हिस्ट्री जो लिखा मराठी में लिखा। राजवाड़े साहब ने क्या किया, जो भी हिस्ट्री लिखा किस कौन से लैंग्वेज में लिखा, मराठी लैंग्वेज में लिखा। समझ में आ गया, कौन कौन से सब्जेक्ट पे लिखा, तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक पे लिखा। लिंग्विस्टिक क्या होता है, लैंग्वेज साइंस को हम लोग लिंग्विस्टिक कहते हैं, यानी किसी लैंग्वेज के बारे में स्टडी करके लिखना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक कहते हैं। एटमोलॉजी, एटमोलॉजी यानी कि कौन सा वर्ड कहाँ से शुरुआत हुई, कौन सा भाषा कहाँ से आया, इन्होंने इसके बारे में लिखा, लैंग्वेज के बारे में लिखा। समझ में आ गया, और किसके बारे में लिखा, ग्रामर के बारे में, किसने लिखा, राजवाड़े साहब ने लिखा। समझ में आ गया, ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट ही शुड राइट आवर ऑन हिस्ट्री। इन्होंने और ट्राई किया और लोगों को बताया कि हमें अपना हिस्ट्री लिखना चाहिए। राजवाड़े साहब ने लोगों को बताया कि भाई हमें अपना हिस्ट्री लिखना चाहिए। समझ में आ गया, ही कंप्लाइड एंड एडिटेड 22 volumes, 22 यानी कि 22 पार्ट ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। इन्होंने एक बुक लिखा जो कि 22 पार्ट्स में लिखा। समझ में आ गया, कितने पार्ट्स में, 22 पार्ट्स में लिखा। किसने लिखा, राजवाड़े साहब ने। उस बुक का क्या नाम है, मराठ्यांची इतिहासाची साधने, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजवाड़े साहब ने एक बुक लिखा मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, ये बुक लिखा, ठीक है। ही रोट स्कॉलरली प्रीफेसेस टू ईच ऑफ 22 वॉल्यूम्स, यानी कि इन्होंने जो 22 वॉल्यूम्स लिखा उसमें जो भी अंग्रेजों ने जो चीज़ें गलत लिखी थी उसको सही करके इन्होंने अच्छे से लिखा, और जो भी 22 पार्ट लिखा इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही नॉलेज लेके उसको लिखा है, मतलब जो भी है ऑथेंटिक लिखा है, सही तरीके से उसको इन्होंने लिखा राजवाड़े साहब ने, ठीक है। ही स्टेटेड हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटी। राजवाड़े साहब कहते हैं हिस्ट्री में सभी चीज़ का इंक्लूड होना चाहिए, पास्ट की सोसाइटी के बारे में जितनी भी स्टोरीज हैं, जितनी भी इवेंट है, सब कुछ लिखा जाना चाहिए, ऑल एस्पेक्ट यानी सभी चीज़ों के बारे में हमें हिस्ट्री में लिखना चाहिए, ऐसा राजवाड़े साहब कहते हैं। ही डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल, बोलते हैं कि खाली पॉलिटिकल के बारे में हमें हिस्ट्री नहीं लिखनी चाहिए, हमें सोसाइटी के सभी लेवल के बारे में, सभी इवेंट के बारे में लिखना चाहिए। इमेजेस, कंस्पिरेसीज यानी कि जो षड्यंत्र होते हैं, कूटनीति होती है, उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए लेकिन सभी चीज़ों के बारे में लिखना चाहिए, सब कहते हैं। वार्स फॉर द सीजिंग पावर यानी कि कहीं पे आप युद्ध करो, लड़ाई करो, कब्जा कर लो। आजकल इतिहास में क्या देखने को मिलता है, पॉलिटिकल के बारे में या तो कंस्पिरेसीज यानी कि षड्यंत्र के बारे में देखने को मिलता है। वॉर फॉर सीजिंग पावर, कहीं पे कब्जा कर लेना, वॉर करके किसी चीज़ को कब्जा कर लेना,
इसी के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। तो राजवाड़े साहब कहते हैं कि हिस्ट्री जो होती है पास्ट इवेंट के सोसाइटी के सभी चीज़ों के बारे में लिखा जाना चाहिए। क्लियर हुआ, आगे समझते हैं। ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। यहाँ पे इन्होंने इंसिस्टेड किया, जोर दिया कि हिस्ट्री जब भी लिखा जाना चाहिए ऑथेंटिक तरीके से लिखा जाना चाहिए। ऑथेंटिक यानी कि फैक्ट लिखा जाना चाहिए, जो हकीकत है वही लिखा जाना चाहिए हिस्ट्री में। ऐसा राजवाड़े साहब कहते हैं और बोलते हैं कि जो भी सोर्सेस, जो भी डॉक्यूमेंट मिलते हैं पास्ट इवेंट को, उसका अच्छे से एग्जामिन करके तभी हमें हिस्ट्री लिखनी चाहिए। आगे समझते हैं। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। जब नेशनलिस्टिक हिस्ट्री लिखा जाने लगा तो इसके बाद इंडिया में मूवमेंट आ गया अंग्रेज को भगाने के लिए। समझ में आ गया, लोगों के समझ में आ गया कि अंग्रेज हमारे साथ प्रीजस्टिस कर रहा है, अन्याय कर रहा है, जस्टिस नहीं कर रहा है। तो एक क्या हुआ, जब नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी लिखा जाने लगा तो काफ़ी हेल्प किया। किसके लिए? ट्रिगरिंग यानी कि डायरेक्शन लोगों को मिला, लोगों को डायरेक्शन दिखाया गया। किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए। किससे इंडिपेंडेंस करना था? जो भी ब्रिटिश लोग थे उनसे इंडिपेंडेंस यानी भारत को आज़ाद करना था। इन दिस एस्पेक्ट ऑफ बुक एक बुक लिखा गया, बहुत ही अच्छी बुक है, बुक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर साहब ने एक किताब लिखा, क्या नाम था? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद क्या हो गया, एक बहुत बड़ा इंडिया में मूवमेंट चला अंग्रेज को भगाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइडेड ए मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्टोरीज टू। जब लोगों ने नेशनलिस्टिक हिस्ट्री पढ़ा तो फिर लोगों ने क्या किया, स्टेट वाइज हिस्ट्री लिखना स्टार्ट कर दिया। लोगों के समझ में आ गया कि हमें अपना हिस्ट्री लिखना चाहिए। समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं। एज द रिजल्ट अटेंशन ऑफ हिस्टोरियंस वॉज ड्रॉन टू ज्योग्राफिक कंडीशन एंड हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडियन रीजन। फिर लोगों ने इंडिया के जो ज्योग्राफिक कंडीशन था उसके बारे में हिस्ट्री लिखना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ जो साउथ का हिस्ट्री रहा है उसके भी बारे में लोगों ने अच्छे से लिखा। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।